नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अवैध रूप से गैस टंकी वाहनों में रिफिलिंग करने वालों पर सख्त से सख्त होगी कार्रवाई, जिलाधिकारी द्वारा कहा गया। बड़वानी जिले में गैस रिफिलिंग का कार्य अवैध रूप से संचालित हो रहा है। गैस वाहनों में घरेलू गैस टंकी डाली जा रही है। बड़वानी जिले के सभी क्षेत्रों में कतिपय कुछ लोगों द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। सिलावद क्षेत्र में भी घरेलू गैस टंकी गाड़ियों में भरी जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा पूरे जिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। सिलावद क्षेत्र में लगभग 4 से 5 लोगों द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। दिन भर में कम से कम 40 से 50 घरेलू गैस टंकी गाड़ियों में भरी जा रही हो सकती है। गैस एजेंसी से अवैध रूप से इतनी गैस टंकी गैस रिपेयरिंग वाले किसकी मदद से घरेलू गैस टंकी लेते होंगे, कितने उपभोक्ताओं का कार्ड लगते होंगे, क्या गैस एजेंसी द्वारा कार्ड पर रोज एंट्री की जाती है या ऑनलाइन मोबाइल से बुकिंग होती है, यह भी बड़ा सवाल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी चंद दिनों पहले पीथमपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ है। एक के बाद एक होते रहे धमाके, करीब 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। ऐसे रहवासी क्षेत्र में रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। सर, अभी मध्य प्रदेश के पीथमपुर में घटना हुई है जिसमें गाड़ियों में रिफिलिंग के दौरान जो हादसा हुआ जिसमें गैस टंकी ब्लास्ट हुई है जी। गनीमत ये रही सर, उसमें घायल भी हुए। बड़वानी जिले के अंदर भी सर इस टाइप के जो है गैस रिफिलिंग वाले जो है अपना कार्य बखूबी अंजाम दे रहे सर, तो आपके विभाग से किसी प्रकार कोई निरीक्षण वगैरह कोई कार्रवाई की जाएगी सर? ये आपके माध्यम से भी और पता चला कि हमने पिछले आचार संहिता के दौरान लगभग 15-16 के प्रकरण बनाए थे जिसमें 3 गैस रिफिलिंग और 5 गैस रिफिलिंग के प्रकरण थे, जिसमें 6 मशीनें थी रिफिल करने वाली मशीनें और लगभग 25 से 26 गैस सिलेंडर थे। उनमें सब में हमने उनके ऊपर कलेक्टर कोर्ट में केस पुटअप करे थे और अर्थदंड लगाकर उनको सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना करें। अगर ऐसा करता हुआ फिर से कोई पाया जाता है तो फिर से हम इस पर प्रयास करेंगे कि इसको पूरी तरह से रोका जाए और जाते भी चल रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, जिले में ऐसे कोई स्थान चिन्हित है कि अब तक कुल कितने लोग रिफिलिंग करें, इसको जानकारी है आपके पास? वो हमारे जैसो फील्ड में रहते हैं तो उनके पास जनरली जो लोग रिफिल करते रहते हैं उनके एरिया और उनके लोकेशन ट्रेस रहती रहती है। तो क्योंकि क्या अभी आचार संहिता थी तो आचार संहिता में हमने कुछ जगह जांच करवाए थे पर नहीं पाए गए थे, पर क्योंकि आपके माध्यम से फिर से ये संज्ञान में आया है तो हम प्रयास करेंगे इसको जल्दी से जल्दी इसमें फिर से कार्रवाई करें। सर, इसके अंदर जो गैस टंकी यूज की जा रही है सर जी, वो घरेलू गैस टंकी है सर, वो मतलब उठाने के लिए एक अगर गैस रिफिलिंग करने वाला तो दिन में कम से कम 3 से 4 टंकी रिफिलिंग करता है, इस हिसाब से लगभग 1 महीने की 100 टंकी है सर। तो ये 100 टंकी कहाँ से और किस एजेंसी से प्राप्त करा, इसकी कोई जानकारी ली सर आपने कभी? मैं ये पिछली बार जब हमने केस बनाए थे तब संबंधितों से भी पूछा था तो वो एक्चुअली क्या है कि जिनके केस बनाए थे वो लोग अपने परिवार की जो डायरी रहती है गैस सिलेंडर की डायरी रहती है उस डायरी के आधार पे वो सिलेंडर संबंधित है जिसका कनेक्ट जिस एजेंसी से कनेक्शन रहता है वहाँ से लेते हैं और उसके बाद में वो डायरेक्ट वहाँ जहाँ पे रिफिल करते हैं वहाँ पे वो टंकी नहीं लेते हैं, वो एक्चुअली क्या गोडाउन पे गैस डायरी लेके हिंद्राई को किसी जो जिसकी डायरी रहती है उसको भेजते हैं, उसके माध्यम से टंकियाँ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।